और अब भोपाल से बड़ी खबर, वीडी शर्मा से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। बंद कमरे में दोनों के बीच हुई मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, ये बात निकलकर सामने आई है। पर अचानक से ये मुलाकात मायने रखने लगी, क्योंकि लगातार बड़े नेताओं में, नए नेताओं में, आयतित नेताओं में, पुराने नेताओं में मनमुटाव की खबरें हैं। यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर के विशेष निमंत्रण पर 30 से ज्यादा देशों के राजदूत और विदेशी राजनयिक समुदाय के सदस्यों ने अबू धाबी में बन रहे बीपीएस हिंदू मंदिर परिसर का दौरा किया, वहां चल रहे निर्माण कार्यों को देखा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंदिर की आधारशिला साल 2018 में रखी थी। मंदिर निर्माण से जुड़ी हर जानकारी प्रधानमंत्री खुद लेते हैं। मंदिर निर्माण परियोजना को भारत और यूएई के बीच घनिष्ठ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बंधनों का प्रतीक पीएम ने बताया है। यूएई में भारत के राजदूत सुधीर ने यूएई के नेतृत्व की दृष्टि और देश में एक मॉडल, बहुसांस्कृतिक और शांतिपूर्ण कोशिशों के बेहतर प्रयासों का समन्वय बताया है। जिन 30 देशों के राजनयिक समुदायों ने बीपीएस परिसर का दौरा किया, वो वहां पहुंचकर काफी खुश नजर आए। सभी ने मिलकर एक फोटो सेशन भी करवाया। और अब शिवपुर से बड़ी खबर, कूनो सेंचुरी के वन अमले पर हमला किया गया है। ग्रामीणों ने पत्थरों से हमला कर दिया, वन कर्मियों की गाड़ी के शीशे टूट गए हैं। हमले में बाल बाल बचा वन विभाग का अमला। आशा चीते को ट्रैक करने के लिए ये टीम पहुंची हुई थी। ग्रामीणों ने परिचय पूछा, टीम ने चुप्पी साध ली। ग्रामीणों ने समझ लिया बदमाश, कर दिया हमला। शिवपुर शिवपुरी बॉर्डर के पास की घटना है, बेहटा और बुराखोरी गांव का यह मामला है। चलिए श्योपुर से एक बार फिर आपको विस्तार से बता दें, श्योपुर से बड़ी खबर है, कूनो सेंचुरी के वन अमले पर हमला कर दिया गया। ये टीम थी दरअसल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहा, श्योपुर की तस्वीरें हैं। वन विभाग के कर्मी जिस गाड़ी में थे उसके शीशे टूट गए हैं। हालांकि ये टीम सुरक्षित है, अच्छी बात ये। आशा चीते को ट्रैक करने के लिए ये टीम पहुंची हुई थी। उसी दौरान ग्रामीणों ने इनसे इनका परिचय पूछा, टीम ने चुप्पी साध ली। अब ग्रामीणों को लगा कि ये कोई जवाब नहीं दे रहे तो बदमाश होंगे, ग्रामीणों ने हमला कर दिया। शिवपुर शिवपुरी बॉर्डर के पास की पूरी घटना है, बेहटा और बुराखोरी गांव का ये मामला है।